देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कृषि नीति निर्धारण करती है। किसान हित को केंद्रित कर अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं का केंद्र बिंदु देश और किसान का विकास है। किसानों की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की किसानों के विकास में भूमिका पर डालते हैं एक नजर। खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार योजनाओं के माध्यम से किसान कल्याण कार्य कर रही है। देश में किसान हित के लिए सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित कर रही है। योजना में खेती और कृषि क्षेत्रों के समग्र विकास का लक्ष्य रखा गया है। योजना में कृषि क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। झारखंड में खेती के विकास पर सरकार काफी ध्यान दे रही है। खेती के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में झारखंड में मटर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को मटर के सफल उत्पादन के लिए भूमि गुणवत्ता की पूरी जानकारी दी जा रही है। मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार योजना का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा है। मटर की उन्नत खेती के लिए मृदा विकास की जानकारी किसानों को कृषि संस्थानों द्वारा दी जा रही है। मृदा उर्वरता विकास के साथ कृषि लागत में कमी लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। योजना में उर्वरता और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरी खाद खरीद पर सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में बंजर और शुष्क क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विकास में सहायक हुई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत झारखंड राज्य में मटर किस्म विकास किया जा रहा है। झारखंड में उन्नत मटर की किस्म AP3 के बीज का उत्पादन किया जा रहा है। योजना का लाभ उठा किसान AP3 मटर के बीज का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। बीज उत्पादन किसानों की आमदनी विकास में सहायक हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि अनुसंधान के समुचित उपयोग में सहायक हो रही है। योजना झारखंड में बंजर भूमि विकास कार्यों में सहायक हो रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना झारखंड में कृषक कल्याण का पर्याय बन गई है।